What is up guys, it's your boy SkinnyPina69 is back with another video। और आज हम लोग वन पीस के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, ये वाली वीडियो थोड़ी सीरियस होने वाली है। हालांकि मैं अपनी सारी वीडियोस को सीरियस रखता हूँ बट somehow वो होती नहीं है, छोड़ो भाड़ में जा सीरियस। तो मेरी लाइव स्ट्रीम में लोग मुझे कह रहे थे कि यार आरजे ओटाकू को रोस्ट करो, आरजे ओटाकू का वन पीस वीडियो रोस्ट प्लीज़। सही बताऊं तो मुझे इसके बारे में उस लाइव स्ट्रीम के एक दिन पहले ही पता चला था। एंड द थिंग इज कि मैं इसे रोस्ट नहीं करने वाला, पर हाँ कुछ ऐसे चीज़ें हैं जिसके बारे में बात करना ज़रूरी है। अब जिन लोगों को सीन नहीं मालूम उनको बता दूं कि आरजे ने वीडियो डाली थी वन पीस के ऊपर, जिसने उसमें काफ़ी गलत इन्फो थे, जैसे कि काइडो का असली नाम मंकी डी गार्प है एंड वन पीस इस जनवरी को एंड होने वाला है। नहीं क्या उड़ा तुम्हारे कान में आकर ये बात कहते हैं, सुनो ये बात ना किसी को मत बताना, मैं ना वन पीस इस जान को ख़त्म करने वाला हूँ। यार ओडा सेंसे कम से कम मुझे तो बता देते, मैं कम से कम किसी को नहीं बताता। बट अगेन आरजे के उन वीडियोस पर वैसे भी ज़्यादा व्यूज़ नहीं आते, सो इट डजेंट मैटर राइट रॉन्ग। मुझे लिटरली यार डीएमएस में आकर लोग कह रहे थे कि जानते हो भाई वन पीस ना जनवरी को एंड होने वाला है, एंड आई वॉज लाइक क्या। मैंने तो रिसर्च भी कर लिया था इसके ऊपर कि चलो यार मुझसे गलती हो गई, हालांकि मुझे पता था कि ऐसा कुछ भी नहीं है। बट यार चलो आरजे आई नो तुम्हें इसको लेकर बहुत गालियाँ पड़ चुकी है, एंड मुझे भी अब इसके बारे में कोई बात नहीं करनी, क्योंकि एट द एंड तुमने अपनी सारी गलती एक्सेप्ट करी एंड शायद तुमने वो वाला पार्ट ट्रिम भी कर दिया, मुझे नहीं पता, मैंने ध्यान नहीं दिया। एंड द ट्रूथ इज कि मुझे इन सब चीज़ों से ज़्यादा फर्क भी नहीं पड़ता, बट द रियल प्रॉब्लम इज कि तुमने मेरी सैंक्स वाली वीडियो कॉपी करी। एक्चुअली उसे कॉपी भी नहीं कहूँगा, तुमने मेरी वीडियो डायरेक्टली उठाई और रख दी, दैट्स इट। तो हमें पता है सैंक सिर्फ 9 साल का था जब वो रोजर के ग्रुप में था, और वो उस ग्रुप में तब तक था जब तक रोजर ने उस ग्रुप को खुद डिसमिस नहीं कर दिया। जब रोजर ने उसके ग्रुप को डिसमिस किया था तब सैंक 14 इयर्स का हो चुका था, और उसके एक साल बाद ठीक रोजर के एग्जीक्यूशन को भी उसने विटनेस किया था नॉकडाउन में, जिसके बाद वो डिसाइड किया कि वो खुद का एक पायरेट क्रू फॉर्म करेगा। तो हमें पता है कि सैंग सिर्फ 9 साल का था जब वो रोजर के क्रू में था, और वो उस क्रू में तब तक रहा जब तक रोजर खुद पूरे क्रू को डिसमिस नहीं कर दिया, और तब तक वो एटलीस्ट 14 ईयर्स का हो गया था, और एक साल बाद वो रोजर के एग्जीक्यूशन को विटनेस किया था लॉकडाउन में, जिसके बाद वो डिसाइड किया कि वो अपना खुद का एक पायरेट क्रू फॉर्म करेगा। एक मिनट, यह किसकी वॉइस है यार, मेरे को यकीन नहीं हो रहा है। मतलब क्या मेरी वॉइस पहले ऐसी आती थी? सही में भाई क्या मजा आ गया यार, ये कितनी पुरानी वीडियो है, एक साल पुरानी वीडियो है यार, और ओहो हो 6.9K व्यूज़, दिस सिक्स एंड दी नाइन, भाई लेजेंडरी नंबर। मुझे पता है ये वॉइस इतनी अजीब क्यों है, एक मिनट रुको। कभी भी ये वाले गंदे बेकार हेडफोन्स कॉस्मिक बाइट के बाई मत करना। लेकिन आरजे तुम्हारी वॉइस ओवर मेरे को काफ़ी अच्छी लगी, स्वाद आ गया भाई। और हाँ कोई भी आरजे को जाकर गाली नहीं देगा, क्योंकि हम यहाँ ये सब नहीं करते हैं, हमें टॉक्सिसिटी नहीं फैलानी है हमारे प्यारे कम्युनिटी वन पीस की कम्युनिटी पे, तो नहीं भाई। फिर होना क्या था, होकाई मी हॉक वर्सेस रेड हिट सैंग्स हमें देखने को मिलता है, और गैस इन दोनों की फाइट का एको पूरी सिटी में सुनाई देता है, और इसके बाद सैंग्स अपने पायरेट्स के साथ पूरा एक साल बिताता है ईस्ट ब्लू आइलैंड पे। हाँ गाइस तुमने एकदम सही गैस किया है, ये ईस्ट ब्लू टाउन लूफी का होम टाउन है। क्या ईस्ट ब्लू एक आइलैंड है? जहाँ तक मुझे याद है लूफी डॉन आइलैंड से बिलोंग करता है, जिसको वो लोग फूसा विलेज भी कहते हैं या फौसा विलेज भी कहते हैं, मुझे याद नहीं है, फूसा फर्स ही कुछ था। लेकिन भाई आरजे तू ये यार ये क्या किया है तू? हाँ वो लोग ग्रैंड लाइन में दोबारा चल जाते हैं, जिसके कुछ साल बाद एक एस नाम का बंदा आता है वो लोग से मिलने, और वो बताता है कि वो लूफी का भाई है, जिसके बाद वो लोग करते हैं पार्टी। लेकिन एक साल बाद उनके पास एक एस नाम का बंदा आता है और उन्हें बताता है कि वो लूफी का भाई है, और ऑफ कोर्स यार अपना ये बताना तो आया नहीं था कि मैं लूफी का भाई हूँ। वो उनकी क्रू को ज्वाइन करने आता है, और इसके बाद सैंग्स और एस करते हैं पार्टी। फक भाई कम से कम अच्छे से कॉपी तो कर लेता है, ये क्या है? एस सैंग्स का क्रू ज्वाइन करने नहीं आया था, वह उसे थैंक्स कहने आया था। अब मुझे पता है यहाँ पे बहुत से गंवार के लौड़े आकर कहने वाले हैं कि भाई इसने कॉपी नहीं किया है, इसने बस वो रेड हेयर सैंग्स को बस एक्सप्लेन कर दिया है, और वो भी शुरुआत से लेके एंड तक, जो कि तूने भी किया था, इसे कॉपी नहीं कहते। मेरे भाई मैंने कुछ डायलॉग्स बके थे जो कि मैंने ऑन द स्पॉट बोला था, यानी मैंने उसके लिए कुछ लिखा नहीं था, मैंने स्क्रिप्ट नहीं लिखा था, वो चीज़ मेरे दिमाग से डायरेक्टली निकली थी, वह भी कॉपी है। अब मैं यहाँ पे कोई पूरी वीडियो प्ले नहीं कर रहा, मुझे तो यार सबसे ज़्यादा गुस्सा कमेंट्स पढ़कर आ रहा है। भाई हमको छुट्टी दे दो। छुट्टी तो यार मुझे भी चाहिए।
ओहो भाई 68 कमेंट्स, ओ लॉर्ड, मेरे भाई 69 करना बहुत जरूरी है, अब इसे 69 करने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। 69 क्या क्या लिखा जाए भाई, क्या क्या लिखा जाए। यस द वीडियो इज गुड, द वीडियो इज वेरी गुड, कीप इट अप, थैंक्स इज ओपी। ठीक है चलो यार, थैंक्स इज ओपी भाई, थैंक्स से महान कोई इंसान नहीं है। आई लव दिस वीडियो, ऑसम वीडियो, अरे भाई बहुत मस्त यार, इतनी ऑसम वीडियो मैंने भी आज तक नहीं देखी। ओटाकू हॉक, अरे एक मिनट, ओटाकू हॉक तू यहाँ पे क्या कर रहा है, तेरे को पता नहीं चला ये मेरी वीडियो है, छोड़ो यार। ऑसम एनीमे, ऑसम वीडियो, ऑसम ग्रेटनेस वीडियो, अबे ऑसम ग्रेटनेस भाई, इंग्लिश की माँ बहन कर दो भाई तुम। ओपी बहुत अच्छा बताया, मेरे को भी बहुत मजा आया, क्या सुंदर वीडियो, ऑर्गेजम आ गया भाई मेरे को। मुझे आपकी एडिटिंग बहुत अच्छी लगी, एडिटिंग तो भाई तुम्हारी बहुत अच्छी है, तुमने 1% का मेहनत किया है, मैंने देखा है, बहुत बहुत अच्छी एडिटिंग है भाई। यार बहुत सारे कमेंट्स है यार, 69 इज द ग्रेटेस्ट नंबर आई हैव एवर सीन, ग्रेटेस्ट वीडियो, ऑसम, नाइस भाई, बहुत मस्त। मुझे मेरा रोने का मन कर रहा है यार, पता नहीं क्यों, मुझे लग रहा है कि मैं छत से कूद के मर दूँ, पता नहीं ऐसा फील आ रहा है। ओहो भाई सैंक्स के पास ए सैंक्स का क्रू ज्वाइन करने नहीं गया था, ओ भाई फाइनली यार कोई मिस्टेक्स के बारे में बात कर रहा है यार, पायलट हंटर तुसी पुसी ग्रेट हो भाई। ये वाला पार्ट मैं एडिटिंग करते वक्त रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैं एक चीज़ कहना भूल गया था कि मैंने आरजे को अप्रोच भी करा था, मैंने डीएम्स में उसमें कहा था कि भाई तुमने मेरी ये वाली वीडियो कॉपी करी है, एंड बंदे ने मुझसे बहुत पोलाइटली बात करा, उसने मुझसे सॉरी कहा, उसने अपनी सारी गलतियाँ मान ली और उसने मुझे क्रेडिट भी दे दिया है। बाई देवे मैं अपनी वीडियोस को कॉमन क्रिएटिव एट्रीब्यूशन पर रखता हूँ, जिन लोगों को नहीं मालूम तुम अपनी वीडियोस को दो टाइप्स में अपलोड कर सकते हो, एक है स्टैंडर्ड लाइसेंस यानी कि तुम्हारी वीडियोस बस तुम्हारी है, और अगर कोई तुम्हें कॉपी करता है तुम्हारी वीडियोस को, अगर कोई यूज़ करता है तो तुम उसे लीगली कॉपीराइट दे सकते हो। एंड एक होता है कॉमन क्रिएटिव या फिर क्रिएटिव कॉमन, यानी कि ऐसी वीडियोस जो कि फ्री टू यूज़ होती हैं और इस पे कॉपीराइट नहीं पड़ता है, बट ऑनेस्टली ये मैटर नहीं करता है कि वीडियो कौन सी टाइप की है, कॉपीराइट तुम कॉमन क्रिएटिव पे भी दे सकते हो, बट द थिंग इज कि वो गलत होगा। मैं पर्सनली अपने वीडियो को क्रिएटिव कॉमन पर रखता हूँ क्योंकि हो सकता है इन फ्यूचर मैं अपना दूसरा चैनल खोलूँ, या फिर अगर मेरे चैनल पे स्ट्राइक आता है और वो ख़त्म हो जाता है तो इन फ्यूचर मैं अपने क्लिप्स को वापस यूज़ कर सकता हूँ। हालांकि वो स्टैंडर्ड लाइसेंस में भी किया जा सकता है, पर ये वाला तरीका ज़्यादा सही होता है और वैसे भी मैं ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहता। पर अगर तुम मेरी वीडियोस कॉपी करते हो तो मुझे तुमसे सिर्फ एक ही चीज़ चाहिए, मुझे प्रॉपर क्रेडिट दो। और यार डिस्क्रिप्शन वाला कांड तो करना मत, क्योंकि यार कौन पढ़ता है डिस्क्रिप्शन, तुम्हारी वीडियोज़ में जो भी तारीफ हो रही है दे वर एक्चुअली मेंट फॉर मी। देखा जाए तो क्रेडिट देने से भी फ़र्क नहीं पड़ता है, इससे तुम्हारी चोरी थोड़ी ना माफ़ हो जाएगी। इस चीज़ का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है बॉलीवुड, बॉलीवुड की ज़्यादातर मूवीज़ कॉपी होती हैं। अगर मुझे तुम्हें सबसे बेस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ तो वो है कबीर सिंह यार, अर्जुन रेड्डी जो कि एक तेलुगु फिल्म है उसकी पूरी कॉपी है, डिट्टो कॉपी। एंड द फनी पार्ट इज़ कि अर्जुन रेड्डी जो ओरिजिनल फिल्म है वो ज़्यादा पुरानी भी नहीं है, तो इसे यार रीमेक भी कहना सही नहीं होगा, इंस्पायर्ड शब्द तक शर्मा जाए भाई इनके सामने, एक एक चीज़ उठाकर पटक दिए, बस थोड़ा सा भी चेंज क्यों करें हम। चलो यार मैं इनके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकता क्योंकि ऑफकोर्स मुझे अपना चैनल बहुत प्यारा है और वैसे भी मैं खुद कुछ दूध का दुलावा नहीं हूँ। मेरी एंशिएंट किंगडम की थ्योरी वाली वीडियो मैंने उहारा से ही ली थी, और जबकि मैंने डिस्क्रिप्शन और कमेंट्स में बिल्कुल उसे प्रॉपर क्रेडिट भी दिया था, लेकिन तब भी लोग आकर मुझे लिखते थे कि भाई क्या ही वीडियो बनाई है, भाई क्या ही थ्योरी बनाई है। मैंने ये मेंशन भी करा था कि ये पूरा वीडियो जो भी है ये उहारा का है, ये पूरा उसका मेहनत है और मैंने बस इसे हिंदी में ट्रांसलेट कर दिया हूँ, लेकिन तब भी यार लोग कमेंट में मेरी ही तारीफ कर रहे थे, तो वह चीज़ इफ़ेक्ट करती है। एंड अब मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि कैसा ये चीज़ फील कर सकता है। एक्चुअली कुछ लोग थे जिन्हें यह मालूम पड़ा था कि हाँ ये उहारा की वीडियो, लेकिन तब भी एक बंदा तो मुझे उहारा की स्काइपिया वाली जो नई थ्योरी है उसे हिंदी में एक्सप्लेन करने के लिए कह रहा था, एंड यह चीज़ वापस रिपीट हुई थी मेरे लाइव स्ट्रीम में। अगर कोई यह सब बात सुनकर ऑफेंड हो गया हो तो यार मैं फिर से सॉरी कहना चाहता हूँ, लेकिन अगर फिर भी तुम बहुत ज़्यादा गुस्सा हो तो यार अनसब्सक्राइब कर सकते हो, या फिर कमेंट में जाकर मुझे 4 गालियाँ दो, एक काम करना डीएम में भी आकर गाली लिखना क्योंकि आई डिजर्व दिस। बाय द वे ऐसा और एक बार हो चुका है, लेकिन इस बार गलती मेरी नहीं थी। मैंने क्या करा था कि मैंने एक वीडियो बनाया था वन पीस एनिमे वर्सेस मांगा, एंड सीन क्या हुआ कि उसके अगले दिन ही सेम टॉपिक पर ग्रैंड लाइन रिव्यू भी वीडियो डालता है। मैं यहाँ ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा कि ग्रैंड लाइन रिव्यू मेरी कॉपी करता है, भाई फॉरेन का बंदा है वो,
जिसका 3 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर है या फिर 4 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर है, वो मुझे जानता तक भी नहीं होगा। और वैसे भी उसकी वीडियो मेरे से काफ़ी अलग थी, लेकिन तब भी भाई कॉमेंट्स में आकर लोग गालियाँ दे रहे थे कि तूने कॉपी किया कैसे भाई। मतलब देख रहे हो यार, मैंने वीडियो पहले डाला था, लेकिन तब भी क्या है ये। एंड आरजे, हो सकता है कि तुम्हारे साथ भी यही सेम चीज़ हो। हो सकता है कि तुम्हें कोई आज गालियाँ ना दे रहा हो, पर कल किसने देखा है? अगर कोई नया यूट्यूबर ये वीडियो देख रहा है ना, तो मैं उसे कुछ कहना चाहता हूँ। यूट्यूब एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, राइट? और इसीलिए यहाँ पर सबका अपना ओपिनियन होता है, एंड इसीलिए यहाँ पर हेट भी काफ़ी जल्दी मिल सकता है। ज़रूरी नहीं है कि तुम हमेशा सही होगे, लेकिन अगर तुम सही भी होगे ना, तब भी तुम्हें गालियाँ पढ़नी ही हैं। तो अगर तुम इस प्लेटफॉर्म में आए हो, तो यार गालियाँ सुनने के लिए हिम्मत रखना। तुम जितना ज़्यादा ग्रो करोगे ना, तुम्हारा कंटेंट उतना लोगों को चुभने वाला है। एंड आरजे यार, क्रेडिट दे दिया करो। तो हाँ यार, बस इतना ही। और हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट बात, कमेंट सेक्शन में गालियाँ बिल्कुल मत देना, बिल्कुल साफ़ सुथरा रखो कमेंट को, और बाकी मज़े करते रहो। बाय।